नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्रद्धा स्टोरीज में। इस तथ्य से तो सभी भली भांति परिचित हैं कि सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार हैं, जिनमें से दशावतार मुख्य है। माना जाता है कि भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु जी के दशावतार में से छठे अवतार हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रहा है। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। ऋषि जमदग्नि के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था रूमणवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु और परशुराम, जिनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। वैसे तो परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तब से उनका नाम परशुराम हो गया। माना जाता है कि चिरंजीवी परशुराम जी को अस्त्रों शस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है और उनकी सैन्य शिक्षा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शिष्य शामिल थे। 21 बार हैहई वंशी क्षत्रियों को समूल नष्ट करने वाले परशुराम जी के पराक्रम की कई कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के एक दृष्टांत के अनुसार माता पिता के भक्त परशुराम ने एक बार अपनी माता का ही वध कर दिया था। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। परशुराम जी की माता रेणुका जी अक्सर गंगा के तट पर महर्षि जमदग्नि के हवन के लिए जल लेने जाया करती थी। एक बार जब वो तट पर जल लेने के लिए पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां गंधर्वराज चित्ररथ कुछ अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। ये देख माता रेणुका आसक्त हो गई और उन्होंने छिपकर पूरा वृत्तांत देखा, जिसके कारण उन्हें हवन के लिए जल ले जाने में विलंब हो गया और हवन काल के समाप्त हो जाने के कारण महर्षि जमदग्नि क्रोधित हो गए। लौटने पर महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका से पूछा, तुम्हारे कारण आज हवन काल व्यर्थ चला गया रेणुका, तुम्हें लौटने में इतना विलंब कैसे हो गया? स्वामी, पता नहीं आज कैसे मैं मार्ग भटक गई, मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा करें स्वामी। ऋषि जमदग्नि के पास सिद्ध शक्तियां थी। अपनी दिव्य दृष्टि से वो पहले ही माता रेणुका के छिपकर विहार देखने का कृत्य देख चुके थे। माता रेणुका के इस झूठ से वो बहुत क्रोधित हो गए और उनसे बोले, रेणुका, मुझे तुम्हारे विलंब का कारण पहले से ही ज्ञात है। पराये पुरुष के विहार को देखकर तुमने पतिव्रता स्त्री होने की मर्यादा को भंग किया है, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। माता रेणुका को मृत्यु दंड देने के लिए महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपने पास बुलाया। पुत्र रुमणवान। जी पिताश्री, आपने मुझे बुलाया। तुम्हें आज अपने पिता की कठोर आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता को मृत्यु दंड देना होगा। माता को मृत्यु दंड? ये मेरी आज्ञा है। जिसने मुझे जन्म दिया, उसी को मृत्यु दंड देने का जघन्य अपराध मैं नहीं कर सकता पिताश्री, मुझे क्षमा करें। जब रूमणवान ने महर्षि जमदग्नि की आज्ञा नहीं मानी, तो उन्होंने अपने अन्य बेटों को भी अपने पास बुलाया। सुषेण, वसु, विश्वासु, परशुराम, शीघ्र मेरे पास आओ। बाकी सभी पुत्र वहां आते हैं। आज तुम्हारी माता ने एक अक्षम्य अपराध किया है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम उसे मृत्यु दंड दो। ये कैसे संभव है पिताश्री? मैं अपनी ही माता के प्राण नहीं ले सकता पिताश्री, मुझे क्षमा करें। एक पुत्र अपने माता के प्राण कैसे ले सकता है पिताश्री? जब चारों पुत्रों ने माता के प्राण लेने से मना कर दिया, तब परशुराम आगे आए और बोले, पिताश्री, मैं माता के प्राण लेने के लिए तैयार हूँ। आज तुमने सिद्ध कर दिया परशुराम कि तुम ही मेरी वास्तविक संतान हो। जाओ और अपनी माता के प्राण मेरे लिए हर लो, और साथ ही इन चारों के भी, जिन्होंने मेरी आज्ञा को अस्वीकार कर दिया।
परशुराम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता के साथ साथ अपने चारों भाइयों का सिर परशु से काट देते हैं। मैं तुम्हारे इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ पुत्र, अतः मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें वरदान दूं। तुम जो चाहे मांग सकते हो। पिताश्री, मैं अपनी माता और अपने चारों भ्राताओं को पुनर्जीवित करने और उनके वध किए जाने संबंधी उनकी सारी स्मृति नष्ट हो जाने का वरदान मांगता हूं। परशुराम जी के अपनी माता और अपने भाइयों के प्रति प्रेम भाव को देखकर महर्षि जमदग्नि प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारे इस प्रेम भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ परशुराम। मैं तुम्हारी माता और भ्राताओं को जीवन दान देता हूँ। दरअसल परशुराम जी को पहले ही ज्ञात हो गया था कि अगर वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो वो प्रसन्न होकर उन्हें अवश्य वरदान देंगे, और वरदान में वो अपनी माता और भाइयों के प्राण वापस मांग लेंगे। तो इस तरह महर्षि जमदग्नि की आज्ञा भी भंग नहीं होती और परशुराम जी की माता और उनके भ्राताओं के प्राण भी बच जाते हैं। धन्यवाद।